आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो तो आपको वो बीमारी नहीं रहेगी हम एक खास तरह की चपाती बताते हैं जिसे डाइजेस्ट करना, पचाना आसान होता है। ये पूरी तरह गेहूं की जगह आधी गेहूं और आधी सब्जी से बनती है अगर आप कहते हो कि ये जो रोटी के साथ आपकी बॉडी इजिली पचा पाएगी यू डाइजेशन एंड जिनको एस है या फिर जिनको ग्लूटिन इनटॉलरेंस होता है या फिर All right, what's up, you guys? You are watching Zilocity, and uh, this is the part two of the Satvik Movement Diet. And if you part one, nahi hai, so this is the video. Go check it out because you will not get part one without part two. Kuch nahi so please, go and watch this. Then come You can come back to here and watch the part two. Anyway, let's go ahead and see the diet plan now. We suggest five main meals in a day. We have a detox juice, nashta, lunch, mid-meal, and dinner. याद रखें कि इस डाइट प्लान में आप रोज 16 घंटे उपवास जरूर जोड़ के रखें जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी मतलब अगर आप डिनर रात को 7 बजे लेते हैं तो अगले दिन सुबह 11 बजे तक कुछ सॉलिड भोजन नहीं खाना आइए सुबह के डीटॉक्स जूस से शुरुआत करते हैं okay, so detox juice.

तो दैट्स ओके एंड अगर फैट लॉस की बात की जाए अगेन मैंने आपको इंटरमीनियट फास्टिंग वर्स कैलरी डेफिनेट भी वीडियो कैन चेक दिस आउट उसमें भी मैंने अच्छे से बताया था आपको बट इन शॉर्ट आपको बताता हूँ इंटरमीडियट फास्टिंग इज लिटरली जस्ट अ वे ऑफ कैलरी रिस्ट्रिक्शन फॉर फैट लॉस ठीक है सो so ऑब्वियसली अगर आप पांच की जगह सिर्फ तीन मील करोगे इंटरमीडियट फास्टिंग करते हुए या फिर अगर आप दिन भर पांच मील करोगे आपके ओवरऑल कैलरीज कितने खाते हो वो ज्यादा मैटर करता है और आपकी न्यूट्रीन प्रोफाइल मैटर करती है प्रोटीन कंटेंट कितना खा रहे हो वो मैटर करता है राइट सो ऑल ऑफ दिस कमसेट टू प्ले बट You can do whatever. Whatever. Either आपको अगर दिन में पाँच छह मील करने सुबह से शाम या फिर आपको फास्टिंग करके सिर्फ या आठ घंटे में खाना है That is up to you. Okay? चलो ठीक है जूस बनाते हैं जब ये हमारे शरीर में जाता है सारे टॉक्सिन्स और गंदगी अपने अंदर सोखने लगता है मैग्नेट की तरह और जब ये निकलता है बहुत सारी गंदगी अपने साथ लेके निकलता है वजन कम करने के लिए और त्वचा साफ करने के लिए ये बहुत अच्छा है हिंदी में इसको सफेद पेठा कहते हैं और इंग्लिश में कार्ड। सफेद पेठा लेना है सुबह विच इज बेसिकली सो उससे आपका पूरे पूरी खींच लेगा और डाइजेशन से निकलते समय तक इट विल्स एंड टेक इट टू बिलीव दैट देखो सीधी बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ देर इज नो वन फूड दैट कैन कॉज फैट लॉस जैसे उन्होंने ये भी बताया राइट right? कि आप ये लोगे तो वेट लूज करने के लिए सबसे बेस्ट है सुबह सुबह आप ये लेना एंड डिटॉक्स देर इज नो वन फूड दैट केन कॉज फैट लॉस अभी जैसे मैं बताता हूं एग्स प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड स्टिल टेल की प्रोटीन इज ऑल्सो नॉट द ओनली सिंगल थिंग दैट यू नीड राइट ऐसा नहीं है कि एक प्रोटीन एक ही चीज no है जिससे आपका दैर इज नो सिंगल फूड विच कैन कॉज फैट लॉस इट इज बेसिकली और ओवरऑल कैलोरीज दैट यू टेक इन अ डे विच कॉजेज फैट लॉस लॉजिक है ठीक है हम मैं हाथ हिला रहा हूं आप वीडियो सुन के हम सर हिला रहे होंगे जो भी कर रहे हो आप, आपका हार्ट जो बीट करता है उसमें जो एनर्जी लगती है सारी चीज़ें एक्टिविटीज जो होती है हमारे डे टू डे प्रोसेस होती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी होती है वॉकिंग हाथ हिलाना एवरीथिंग इट डिमांड्स एनर्जी राइट आप एनर्जी बर्न कर रहे हो और आप जब खाते हो फूड से वो भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो सो जो बर्निंग और कंज्यूमिंग है ना ये दो शुड गो हैंड इन हैंड मतलब इट शुड बी अलाइंड फॉर योर गोल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फैट लॉस और वेट गेन जो भी है वेट लॉस वेट गेन ठीक है अब वेट लॉस करना है एनर्जी आप इतनी खा रहे हो और आप एनर्जी बर्न इतनी कर रहे हो अंतर है दिस एक्सेस बर्निंग इज वॉट कॉज वेट लॉस ओके फैट लॉस अब आप खा इतना रहे हो और बर्न इतना ही कर रहे हो एक्सेस इज स्टोर्ड इन फैट एनी वे ओके सो इट्स सिंपली जस्ट एनर्जी ज्यादा है स्टोर होगी कम है निकलेगी इट्स एज सिंपल एज दैट बट अब उस एनर्जी में आप कितने न्यूट्रिय खा रहे हो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो अगेन आई टोल्ड यू हाउ वाई कैलोरीज मैटर यहाँ पे वीडियो मैंने बनाया इस पर बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है मैंने इसमें सो so उसमें भी मैंने बताया कि जो आप कैलरीज खाते हो दिन भर में यू हैव टू चूज न्यूट्री डेंस फूड ऐसा नहीं कि आप जंक कुछ भी खा लो तो इट्स गुड फॉर यू सो इट इज ऑल अबाउट यूर कैलरीज अब उस कैलरीज में या आप कोई भी वेजिटेबल्स खाओ ऐसा नहीं कि सिर्फ सफ़ेद फेफेद पेठा खाओगे तो ही आपके बॉडी से पूरे टॉक्सिंस निकलेगी एनी वेजिटेबल्स एनी फ्रूट्स विद इन यूर कैलरीज एनी प्रोटीन सोर्स एनी कार्व सोर्स एनी फैट सोर्स नाउ ऑब्वियसली यू नीड टू चूज न्यूट्रीन डेंस एज मच एज पॉसिबल एग्स एंड उसके साथ अगर आप ओट्स खा रहे हो एंड उसके साथ वेजीज एंड फ्रूट्स ले रहे हो सो दैट इज अ बैलेंस्ड मील कि आपको हेल्दी काब्स भी मिल रहे हैं स्लो डाइजेस्टिंग काब्स ओट्स गोन की पी फुल फॉर लॉन्गर वेजिटेबल्स न्यूट्रिय सप्लाई एग्स प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स एंड न्यूट्रिय सप्लाई अगेन फ्रूट्स एंड न्यूट्रिय सप्लाई अगेन सो योज कॉम्बिनेशन हो ना ये दिस इज वॉट इज अ गुड मील विच प्रोवाइड यू विद द न्यूट्रींस एंड एट द सेम टाइम अगर आप अपनी कैलरीज के हिसाब से खाओगे तो यू लूज फैट सिंपल सो दर इज नो वन फूड कि आपको यही खाना है तो ही आपका फैट लॉस होगा कि यही खाना है तो आपका डिटॉक्स होगा ऐसा नहीं होता है ठीक है सो पहली बात तो अगेन तीन शब्द आप याद रखो एक डिटॉक्स अगर कोई कहता है तो दूर भागो दूसरी चीज ये याद रखना है कि फियर मोंगरिंग कोई करता है कि आप ये मत खाओ क्योंकि इससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो जाएंगे तो आपको उससे दूर भागना है और तीसरा अगर कोई एयरपॉड्स डाल के बाल वाल बना के महंगे जैकेट पहन के महंगे शूज़ पहन के अगर कोई वीडियो लेता है जैसे एक आ, कुछ नाम था जिसके उसमें नाम में कुछ मैड वैड कुछ था यार तो ये वीडियो में मैंने बनाया था आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख सकते हो सो so, आपको लुक्स में नहीं जाना तीसरी चीज़ ये याद रखना है कि आपको लुक्स पे नहीं जाना है कि वो कितना अच्छा दिखता है या कितना लगता है, 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 है है, है? आपको सेंस पे 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 जाना है, पे जाना है, पे जाना लॉजिक रिसर्च रिसर्च जो रिलायबल प्रोवाइड करता ठीक एनीवे लेट्स गो करीब 300 ml पेठे का जूस अगर अगर सफेद पेठा ना ना मिले तो आप एक नारियल नारियल पानी पानी का भी ले लें या सेलरी का जूस ले सकते हैं okay, so

Too much bro science in one video to handle. Literally, please, please for all those guys that actually watch Greg do set, more plates, more dates, like those highest level of research karne wale log jo bhi Bio Lane है, Alan Aragon है, please spam this Satvik Movement diet ka video link on their walls, literally. Because मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला सफर ना करूँ. I want them to suffer as well. मैं चाहता हूँ कि वो भी देखे और अपना माता पौड़े ये देखके. क्या है ये क्यों इतना ब्रो साइंस की ऐसे ये मत करो ये मत करो दो घंटे तक कुछ मत खाओ उसके बाद ये मत खाओ ओ गॉड ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर वो डिटॉक्स चल रहा है तो आप कुछ खाओगे तो डिटॉक्स रुक जाएगा आपको मैं एक बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ जो किडनी और लिवर है हमारी बॉडी के किडनी एंड लिवर आर कॉन्स्टेंटली प्रोसेस जो हमारी बॉडी में toxins, आप खाने से तो छोड़ो मीट जो कह जो मैम बोल रही है सुबह मैम कि जो आप मीट लेते हो दूध लेते हो उससे टॉक्सिंस पैदा होते हैं हमारी बॉडी में वो तो छोड़ो दिन भर के स्ट्रेस से पोल्यूशन से भी हमारी बॉडी में टॉक्सिंस क्रिएट होते हैं कुछ अमाउंट ऑफ राइट एवरी वन के नग्रेटिव सो Uh, ये सारे जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं या जो हम इनहेल इंजेस्ट कर लेते हैं इन एनी वे उसको भी हमारी किडनीज और लिवर कॉन्स्टेंटली रिटॉक्सीफिकेशन करके उसको एलिमिनेट करती है बॉडी से आप सोचो हमारी बॉडी इतनी अच्छे से डिजाइन की गई है कि आप कुछ भी करोगे द बॉडी विल फाइट इट ऑफ आपको अगर मार लगेगी चोट लगेगी तो सूजन होगी लेकिन वो सूजन ऐसी तो नहीं रहेगी आपको वो सूजन हील होगा वो हीलिंग प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है तो दैट्स तो हीलिंग एंड डिटॉक्सीफिकेशन इज अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडी इट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग सो आप ओवर स्मार्ट बन के अपने बॉडी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में मत लो आप बस अपने वर्कआउट को ध्यान दो अपने फिटनेस को ध्यान दो आप न्यूट्रिशन में अपने अपने हेल्दी फैट्स हेल्दी कार्ब्स हेल्दी प्रोटीन सब आप खाओ न्यूट्रेन वाइटमिन मिनरल्स फ्रूट्स वेजी सब खाओ बाकी अपनी बॉडी देख लेगी डिटॉक्सीफिकेशन आप गधों की तरह यह सब बकवास मत करो आप डू नॉट बिकम ओवर स्मार्ट द बॉडी इज वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड यू डोंट हैव टू डिसाइड समथिंग फॉर योर बॉडी ओके सो ऐसा नहीं है कि आपको ये टाइम पे खाना मत खाओ तो आपको डिटॉक्स रुक जाएगा इट इज नॉट राइट एट ऑल यू मे थिंक एम बींग रूड और समथिंग दिस इज लिटरली मी बींग एज पोलाइट एज पॉसिबल बिकॉज ये बहुत ज्यादा मिसइनफॉर्मेशन है कि आप कुछ खाओगे तो आपकी बॉडी का डिटॉक्स रुक जाएगा उसका काम रुक जाएगा नो 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 लगभग no. No! 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 Anyway, 11 बजे नाश्ते में आप एक बड़ी प्लेट मौसम का कोई भी फल ले सकते हैं जैसे कि तरबूज पपीता संतरा ग्रेप्स सेब नाशपाती ऐसे फल खाएं जिसमें पानी ज्यादा हो इसीलिए केला नहीं खाना सबसे अच्छा तो है कि आप एक बार में एक ही फल खाएं लेकिन उससे संतुष्टि ना मिले तो दो या तीन फल भी खा सकते हैं आप चाहे तो इसके ऊपर नारियल की गिरी घिस के डाल सकते हैं नारियल बैक बैक वी आर बैक विद मोर नारियल सो <laughs> फ्रूट so, का प्लेट खाना है एनी वन सीजनल फ्रूट जो भी वॉट जो भी ज़्यादा वाटर रिच फ्रूट है वो ज़्यादा प्रेफर करो इसलिए केला नहीं खाना है या आई आई कैन आई कैन अग्री टू इट ऑन द एस्पेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ बनाना नॉट बींग वेरी सेशिएटिंग क्योंकि उसमें वाटर और फाइबर कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है जितना आपको वाटरमेलन पपाया मस्कमेलन में मिल सकता है ओके okay? और एक चीज में हाईलाइट करना चाहूंगा कि ब्रेकफस्ट में सी योर बॉडी हैज बीन फास्टिंग राइट रात भर स्लीप में आपने फास्ट किया है आपको कुछ न्यूट्रिय नहीं मिले अब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग या जो भी आप, जब भी आपका फर्स्ट मील होगा आइडियली इट शुड बी प्रोटीन रिच फ्रूट में आपको प्रोटीन कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा आपकी बॉडी में जो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें एसेंशियल कैटेगरी वाले अमीनो एसिड्स है वो आपके फ्रूट्स में नहीं मिलेंगे आपको एक सर्विंग फ्रूट में हार्डली आधा या एक ग्राम प्रोटीन मिलेगा एक ग्राम अब आप फास्ट कर रहे थे योर बॉडी नीड्स अमीनो एसिड्स टू रिपेयर द दिन दिन भर का स्ट्रेस आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो आपकी बॉडी में मसल तो है नॉट दैट आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे बट यू नीड टू ईट योर गॉड टाइम प्रोटीन क्योंकि आपकी बॉडी में मसल है एंड इट इज रिक्वायर्ड टू स्टैंड टू कीप दैलेटल सिस्टम इन द राइट स्ट्रक्चर पॉस्टर के लिए जो मसल होता है अब ये जो मेरे दो हड्डी है ये जो दो अलग हड्डी है ना ये दो हड्डी को होल्ड करके रखता है मसल

क होते हो ज्यादा आपकी जॉइंट वीक हो जाती है सो दू नीड टूट प्रोटीन अंडरस्टैंड ओके फर्स्ट जो भी मील है आप इंटरमीडियट फास्टिंग ही कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं बट फर्स्ट मील विद्रूट वे प्रोटीन एग्स पनीर या तो स्प्राउट्स ही ले लोर कम ऑन कुछ तो ले लो दिस इज नॉट दल वे टू स्टार्ट योर डे ओकेज इन फेवर ऑफ द फ्रूट

इस तरह यदि आप दो चपाती भी खाते हैं तो आपके पेट में अनाज सिर्फ एक चपाती का जाता है ओके, दिस इज एक्चुअली गुड सब्जी यू कैन टू योर रोटी। ऐसा होगा कि आप दो रोटी भी खाओगे तो आपको एक्चुअली फ्लावर जो है वो एक ही रोटी का आएगा राइट सो दैट इज रीसेंट इज एक्टेजी में तो आपको ना के बराबर कैलरीज मिलती है एंड रोटी इज Uh, so, आपको भी भी कंट्रोल हो जाएंगे आपकी भी मिल जाएगी ड्यू टू द वेजीज एंड फाइबर सो दिस दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी आई से लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डबल चपाती खाने लग जाओ उतनी ही चपाती खाए जितना आप पहले खाते थे अब जो हम सब्जी रेकमेंड करते हैं वो भी थोड़ी अलग है तेल की बजाय हम इसमें नारियल घिस के डालते हैं और मिर्च मसालों की बजाय हम इसमें ताज़े हर्ब्स डालते हैं इस तरीके से बनाई गई सब्जी सात्विक सब्जी होती है और बहुत जल्दी पच जाती है ओके अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर शायद लोग थोड़े ट्रिगर हो जाएंगे बट मैं आपको फिर भी ये चीज़ आई आई एम हूँ टेल दिस एनीवे मिस सुबह यू एंड योर गुरु हैव नो आइडिया अबाउट हाउ डाइजेशन वर्क्स यू हैव जीरो क्लू अबाउट हाउ डाइजेशन वर्क्स अगर आप कहते हो कि ये जो अनाज कोई भी सब्जी जो भी आप कह रहे हो सब्जी एंड रोटी के साथ आपकी बॉडी ईजिली पचा पाएगी यू हैव जीरो जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइजेशन एंड हाउ पीपल कैन हैव डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आई बी एस गड डिसोसिस का जीरो नॉलेज है आई कैन गिव दिस आई कैन गिव दिस वेरी बोल्ड क्लेम एंड आई कैन बैक दिस अप बिकॉज जिनको आई बी एस है या फिर जिनको ग्लूटिन इनटॉलरेंस होता है या फिर किन 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 लोगों में एन सी जी एस होता है बेसिकली नॉन सीलिय ग्लूटिन सेंसीटिविटी सो मेरी बॉडी माई बॉडी इज समथिंग विच इज़ एन सी जी एस आई हैव अ माइल्ड एन सी जी एस आई एम नॉट ग्लूटिन इनटॉलरेंट बट मुझे आई बी एस ट्रिगर होता है बार बार जब में जब भी मैं ज्यादा क्वांटिटी में, में ग्लूटिन खा लेता हूँ आई वाला वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन की कि क्या क्या ट्रिगर्स होते हैं आई के कैसे कैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में आपको ग्लूटेन एक लीडिंग कॉज हो सकता है ओके okay? इसका मतलब ये नहीं कि सबको ग्लूटेन नहीं खाना है बट यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि ग्लूटेन इजिली पच सकता है सबको दैट इज दैट इज द वन थिंग दैट क्लियरली इज इट्स अ गिव अवे फॉर एनी गुड क्वालिफाइड कोच डैट यू टू हैव जीरो आइडिया अबाउट डाइजेशन एंड गट माइक्रोबायोम यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट गट डिसोसिस इफ यू वोट देन यू वुड नॉट क्योंकि मैं मेरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ग्लूटेन डाइजेस्ट होता है तो ही खाओ अगर आपको नहीं होता है अगर आपको फील होता है कि ग्लूटेन खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन है ज्यादा डायरिया हो रहा है डोंट ईट इट क्योंकि मेरे को होता है ऐसे काफी लोग हैं जिनको इंटॉलरेंस एंड ग्लूटिन सेंसिटिविटी होती है नॉन सीलियन सेंसिटिविटी इनफैक्ट एक सबसे लीडिंग डिजीज विच इज कॉज विच इज कॉल्ड सीलियन आपके प्लान में आप ग्लूटिन दे रे विदाउट इवन थिंकिंग दैट ग्लूटिन कॉजेस सीलिया डिजीज आई नो पीपल माई थिंक दैट आई बींग रूड हियर और वट एवर बट दिस इज वन देर आर सो मेनी रेड फ्लैग्स विच क्लियरली शो दैट दिस डाइट प्लान इज वेरी मिसलीडिंग एंड दिस इज द एपिटोमी ऑफ मिसलीडिंग डाइट्स ऑन यूट्यूब आई कैन लिटरी टेल यू ऐसा नहीं कि ये सबके लिए अनहेल्दी है बट ये सबके लिए हेल्दी भी नहीं है यार जिस हिसाब से ये पोर्ट्रे किया गया कि डिजीज़ को तो भगा ही देगा डिजीज़ तो आ ही नहीं सकती जिनको सीरिया है उनके बारे में क्या सोचा नहीं समझा नहीं डाइजेशन गुरु ने कुछ बोला और मैम ने यहाँ पे बोल दिया दिस इज़ वॉट आई डोंट लाइक अबाउट यूट्यूबर्स इन फिटनेस कम्युनिटी जो जो भी हमारे डाइट इंडस्ट्री है ना जो डाइट कल्चर है कि एक ये डाइट फॉलो करो ये मेरी डाइट फॉलो करो ये जल्दी लूज वेट करना है तो ये डाइट प्लान फॉलो करो

हफ्ते में एक या दो बार ही अगर आपको रोटी की जगह ब्राउन राइस मिल जाए तो ले सकते हो बाकी टाइम क्यों नहीं क्योंकि सोर्स चूज करो जैसे आप मैश पोटेटो दैट्स अ वेरी गुड एंड फिलिंग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सो आप कभी भी कुछ भी खाओ यार डू नॉट गो विद दिस की आपको ये इसकी जगह आपको राइस खाना है रोटी की जगह राइस तो आपको सिर्फ एक ही बार खाना हफ्ते में दो ही बार खाना हफ्ते में।, बाबा, बाबा <laughs> में, बार -बार बार -बार में चला जाता है ऐसी चीजों पर बट एन सो आयुष्मान खुराना ने भी वीडियो में बताया था कि आप अगर रोटी खा रहे हो तो आप रोटी के साथ चावल मत खाओ जैसे अगर आप चिकन और रोटी खाते हो तो चिकन रोटी खाओ चिकन और रोटी और चावल मत खाओ मतलब क्या सेंस है इसमें डोंट

बचा क्या दाल राजमा चिकपीस वो भी मैम ने निकाल दिया यहाँ पे जैसे उन्हें स्टार्ट में बताया था मां प्रकृति ने तो हमारे प्रोटीन के लिए सब बनाया है आप ही खुद निकाल दो फिर मां प्रकृति ने जो बनाया है तो क्या क्या लॉजिक है इसका नेचर एस गिवन एस एग्स मीट मिल्क लजूम्स बीन एवरीथिंग राइट फ्रूट वेजिटेबल्स सो नेचर एज गि एवरीथिंग आर यू टू क्रिएट दीज रूल्स आई एम नॉट जस्ट एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द साइंस बिहाइंड दिस कुछ एक कुछ साइंस होना चाहिए कुछ रिसर्च होना चाहिए टू बैक दिस अप तो अच्छा है मतलब आपको प्रोटीन तो निकाल ही दो मतलब आपको प्रोटीन चाहिए ही नहीं आपके वेजिटेबल्स में आपको प्रोटीन आ जाएगा नारियल में ही आ जाएगा सब प्रोटीन यू नो वट आई मीन गो एट देखिए ऐसा नहीं है कि दाल गलत है या राजमा गलत है बात यह है कि हमारा ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसमें हम दिन के आठ घंटे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पे बैठे रहते हैं और दिन में एक घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते ऐसे में उसको पचाना मुश्किल होता है हमारे पूर्वज उसको आसानी से पचा पाते थे क्योंकि वो दिन के छः आठ घंटे धूप में मेहनत का काम करते थे समस्या ये है कि हम लाइफ तो आज का जी रहे हैं लेकिन डाइट अपने पूर्वजों की खा रहे हैं आप

अब लंच और डिनर के बीच आपको शायद मिड मील लेने का मन करे इस समय आप कोई भी ताज़ा जूस या पेठे का जूस या नारियल पानी ले सकते हैं यदि जूस के बाद भी भूख लगे तो दो तीन बिस्किट जितने टुकड़े नारियल की गिरी के ले लें या फिर कोई हल्का फल खा लें More Nariyal for you. This is a Nariyal plan. This is a coconut movement plan. It should be named coconut movement plan. I'm literally in favor of this. Please let's start a petition to change the Satvik movement plan. टू कोकोनट मूवमेंट प्लान हाउ अबाउट मैंने आपको मेरे पिछले में भी बताया, जूस पीने में आपको साथा नहीं मिलती है बट फूड खाने में आपको सटाइटी मिलेगी राइट right? सो so आपको स्नैक करना है सो हैविंग जूस विल नॉट कीप यू फुल बट है अंडा चीज प्राउट पॉपकॉर्न इट्स एक्चुअली समथिंग विच फील्स फास्टर एंड अगर भूख लगती है तो आप जूस पियोगे तो कुछ आप, आप, आप जूस पीने में आपको फुल फील करोगे या फिर आप कुछ खाओगे तो फुल फील करोगे right? so, लिए लिए तो भूख लगेगी तो आपको फुल होना चाहिए राइट right? आपको मील के बाद सो इज समू हाई लाइट जूस पीना इज नॉट बैड बट कुछ खाओगे तो बेहतर है आपका सैलड रॉ यानी कच्चा होना चाहिए मौसम की कोई भी सब्जियों को काट कर जैसे खीरा टमाटर चुकंदर उसमें नट जैसे काजू बादाम से बनी होम मेड ड्रेसिंग बना के डाल सकते हैं सैलेड में कोई अन्न जैसे कि राजमा दाल चना नहीं डालना अगर आप चाहें तो सैलेड के साथ एक सूप भी ले सकते हैं आपके सूप में कोई तेल दूध अन्न नहीं होना चाहिए और वो कम से कम पका होना चाहिए जब आप रात को अन्न छोड़कर सिर्फ सुपर सैलेड खाएंगे तो आपको बहुत लाइट फील होगा और जब आप रोज सुबह अपना एक्स्ट्रा वजन घटता हुआ देखेंगे और बिना दवाइयों के अपनी रीडिंग्स कंट्रोल में आते हुए देखेंगे तो वापस मुड़ने का मन भी नहीं करेगा अभी यहाँ पे रात को भी ना प्रोटीन है सूप और सैलेड खाना है रात को डिनर में सूप में आपको यस वेजिटेबल सूप में आपको कुछ न्यूट्रंस मिल जाएंगे आप सैलेड खाओगे उसमें भी आपको न्यूट्रंस मिल जाएंगी बट प्रोटीन हेल्दी फैट्स की प्रोटीन की कमी हो जाएगी एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत कम है ये पूरे प्लान में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के दो टाइप के हमारे बॉडी में अमीनो एसिड्स होते हैं तो प्रोटीन से मिलते हैं ठीक है थीके? अब प्रोटीन के अमीनो एसिड्स बेसिकली होते हैं दीवार में जो ब्लॉक्स होते हैं वैसे ही प्रोटीन में होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स उसको कहते हैं अमीनो एसिड्स अब अमीनो एसिड्स में एक टाइप है एसेंशियल जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती है खुद से वी नीड टू ईट इट फ्रॉम फूड एंड दूसरा है नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है खुद सिंथेसाइज कर सकती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ठीक है सो so, अब जो आपको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहीं से भी मिल जाएंगे लेकिन जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो आपको केवल एनिमल एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में मिलेंगे कुछ रीजन है जिसकी से जिसकी वजह से हमारी बॉडी एसेंशियल अमीनो एसिड्स खुद नहीं बना सकती क्योंकि वी नीड टू ईट इट एक लॉजिक मैं ये भी बता सकता हूँ प्रूव दिस इवन मोर मिसलीडिंग एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे एग्स मीट डेयरी चिकन फिश सी फूड एचेट्रा अब जो दूसरे सेकेंड क्लास प्रोटीन सोर्सेस है जैसे दाल लेज्यूम्स लेंटल्स नट्स ओट्स मिलेट्स एच्ट्रा जो भी है इस सब में आपको एसेंशियल अमीनो एसिड सारे नहीं मिलेंगे कुछ अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड आपको लैकिंग हो सकते हैं कम कम मात्रा में मिलेंगे इसीलिए वो सेकेंड क्लास कैटेगरी में जाते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास दोनों प्रोटीन सोर्स कंबाइन करके खाओगे दिन भर तो आपको एसेंशियल की मात्रा सही से मिल जाएगी कोई रीजन है इसीलिए तो हमें एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती बिकॉज वी वी नीड नीड टू टू ईट ईट इट फ्रॉम फूड अ बैलेंस्ड डाइट अब रात को इन्होंने जो बताया सूप सैलेड में आपको एसेंशियल तो दूर की बात नॉन एसेंशियल की भी कमी है यहाँ पे ठीक है प्रोटीन की ही कमी है बहुत ज्यादा दिन भर के डाइट प्लान में हार्डली हार्डलीर इज फिफ्टीन टेन फिफ्टीन ऑफ प्रोटीन आई डोंट नो हाउ शी केम टू दिस कंक्लूजन थी कि आप को प्रोटीन की मात्रा आप ये फूड में मिल जाएगी लिटरली फॉर इवन सेडेंट्री पर्सन दिस इज अ डाइट प्लान विच लीड टू मसल एंड बोन डिजेनरेटिव ओवर टाइम अगर आप ये 20 साल की उम्र में फॉलो करना स्टार्ट करोगे बाई द एज ऑफ फोर्टी या थर्टी फाइव यू हैोन डिसऑर्डर्स जैसे आथ्राइटिस या तो सार्कोपिनियो ऑस्ट्रोपेर एचेट्रा एसेट्रा दिस इज अ वेरी लो न्यूट्रिय एंड वेरी लो प्रोटीन प्लान आई वुड नेवर वुर दिस टू एनी बॉडी इन द वर्ल्ड डिजीज तो दूर की बात मैं रेगुलर सेडेंट्री लोगों के लिए ये ये तो रिकमेंड कभी नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिसर्च बैक नॉट समथिंग विच इज बैलेंस्ड मैं जैसे हमेशा प्रमोट करता हूं कि आप ऐसा प्लान क्यों फॉलो कर रहे हो जो आप सेडेंट्री होते हो भी फॉलो कर सकते हो ऐसा प्लान खुद अपना बनाओ खुद रिसर्च करो जो आप वर्कआउट भी इंप्रूव करो एट द सेम टाइम आप न्यूट्रिशन भी करो और एट द सेम टाइम आप रेस्ट भी प्रॉपर रखो अपनी स्लीप भी प्रॉपर रखो लाइफ में कंसिडर होता है स्लीप द ट्राइपॉर्ड ऑफ फिटनेस ये तीन जो डंडे हैं इसके एक है न्यूट्रिशन दूसरा है फिटनेस और तीसरा है रेस्ट एंड रिकवरी विच इज स्लीप प्रॉपर स्लीप तो मेरे लाइफ स्टाइल प्लान होते हैं आई डोंट कोच पीपल फॉर जस्ट न्यूट्रिशन आई कोच पीपल फॉर लाइफ स्टाइल्स हाउ यू कैन स्टे फिटर कैन हाउ यू कैन हैव बेटर न्यूट्रिशन हाउ यू कैन स्लीप बेटर ये तीनों को अलाइन करके एक प्लान होता है सेडेंट्री को भी ये प्लान ये सही नहीं होगा और आप ये एम भी मत रखो कि आप सेडेंट्री रहोगे और ये फॉलो कर लोगे डू नॉट एम फॉर दिस हाँ आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं अच्छे खासे बट सारे नहीं मिलेंगे जो आपको आइडियली आपकी बॉडी को चाहिए वाई, वाई B12 की कमी आयरन की कमी जिंक की कमी जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी लॉट्स ऑफ मिसिंग थिंग्स ओके ना रात को प्रोटीन ना सुबह प्रोटीन यू नो दिस देर इज नो गॉड डैम प्रोटीन एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी इन पीपल बींग मिसलेड अबाउट दिस दिस वॉज द वीडियो कॉज आई होप यू लाइक दिट आई होप यू अंडरस्टूड दिस इन ओपन माइंड आई डेंट रिसजम फॉर doing the Fit Tuber diet but I hope this is something that I was being as polite as possible and I my motive is to educate you guys and help you stay away from misinformation so thanks for watching this is my Instagram you can hit me up for my personal coaching video consultations and I would love to help you and uh, stay tuned keep watching my content and thanks for watching again have a great time I'll see you in the next video